दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल जो अपनी यूनिट है, क्या नाम है भाई, सेपरेशन टेक्निक्स। क्या नाम है? सेपरेशन टेक्निक्स। इसके बारे में बात करने वाले हैं किस तरीके से भैया कोई सॉल्वेंट है, कोई सल्यूट है, किस तरीके से अलग करेंगे, सारी चीजें इसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। किस तरीके से कोई कलर दिया, कोई भी कंपाउंड कलर देता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये सब इस यूनिट के अंदर है। आज अपना लगभग 17वां या 18वां दिन होगा और पूरी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने खत्म कर ली है। इसके बाद आपको 2-4 वीडियोज हम और देंगे जिसमें हम क्या आपको देने वाले हैं भाई, जिसमें हम आपको जो पुराने पेपर आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव वाले उन्हें हम सॉल्व करवाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, पेपर आपके आने वाले हैं, पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करिए, लास्ट तक देख डालिए और जाके पेपर दे आइए भाई, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे, यानी कौन सा तरीका नहीं है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर से जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अगर हम अलग करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका नहीं भाई, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन नहीं है। विद्युत अपघटन में क्या होता था, विद्युत अपघटन में तो एक इलेक्ट्रोलाइट होता था जिसमें धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा के तोड़ देते थे, उससे सेपरेट थोड़ी करते थे। तो यानी इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है, सरल भाषा में कहें जो वितरण गुणांक होता है, वितरण गुणांक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया था नशर्ट ने कि भैया अगर दो कोई अलग अलग सॉल्वेंट है तो उनमें जो घुलने का रेशियो होगा वो एक नियतांक होगा। तो इस तरीके सॉलिबिलिटी का रेशियो, मान लिया S1/S2 = 1 कॉन्स्टेंट, तो उसे भैया हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं और उसे हम लोग K से लिखते हैं भाई, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ सिलेक्टिविटी फैक्टर, जो सिलेक्टिविटी फैक्टर S होता है उसे काहे से लिखते हैं, तो भैया पहले वाले के लिए कांस्टेंट बटे में दूसरे वाले के लिए कांस्टेंट और दोनों का जो रेशियो होता है उसे सिलेक्टिविटी फैक्टर कहते हैं, S = K1/K2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विपमेंट, निम्न में से कौन सा एक इक्विपमेंट है यूज्ड फॉर काहे के लिए भैया, सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन, यानी सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सरल भाषा में जिसे अलग करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं भाई, ठीक है। इन क्रोमेटोग्राफी द पेपर पैटर्न इज कॉल्ड, जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो हमें पेपर पैटर्न मिलता है उस पेपर पैटर्न को क्या कहते हैं, तो उस पेपर पैटर्न को कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम। जो पेपर पैटर्न हमें प्राप्त होता है उसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं। विच वन टेक्निक, कौन सी टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कलर राइटिंग। अब ये देखो भैया वही है, कलर राइटिंग के लिए कौन सी टेक्निक भैया हम लोग यूज करते हैं, अभी स्टार्टिंग में बताया क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके का कलर, किस तरीके की सारी चीजें मिलेंगी हमें, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज, जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिन मतलब पतली, लेयर मतलब सरफेस पर तैयार, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं भाई, ठीक है। स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, जो स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी मतलब सरल भाषा में कहें तो जो रुकी हुई जो स्थिर फेज होती है क्रोमेटोग्राफी में उसे क्या कहते हैं, तो लिक्विड होती है भाई, ठीक। किस फेज में होती है? लिक्विड में। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है सॉल्वेंट को अलग करना, निकालना, वो टेक्निक क्या है, तो बैच टेक्निक हो सकती है। बैच समझते हो, घन बनाना, चार्ज बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके देसी भाषा में जो हलवाई लोग हैं उन्हें कहते हुए सुना होगा, चार्ज घन, पहला घन निकल गया, दूसरा वैसे बैच टेक्निक होती है, दूसरी कॉन्टिन्यूस टेक्निक होती है, तीसरी काउंटर करंट टेक्निक होती है। इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को और हम लोग क्या कहते हैं, तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कहते हैं पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी एक ही चीज होती है। अगला क्या है? इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोथ द लिक्विड शुड बी, जो अगर हम लोग पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो जो दोनों लिक्विड है वो कैसे होने चाहिए, तो म्यूचुअली इनसॉल्युबल, आपस में नहीं घुलने चाहिए भैया, ठीक है। आपस में घुल गए तो फिर ये वाली क्रोमेटोग्राफी काम नहीं कर पाएगी। इन पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज, भाई जाहिर सी बात है पार्टीशियन का मतलब लिक्विड वाली है, तो इसमें चाहे स्टेशनरी फेज कह लो चाहे कोई फेज कह लो, बस सारी की सारी क्या होंगी, लिक्विड ही होंगी मेरे भाई, ठीक है। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम, दो चीजें होती है, एक मीडियम होता है एक स्टेट होती है। वैल्यू ऑफ RF इज इक्वल टू, RF जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जितनी ट्रेवल कर रहा है, उन दोनों का रेशियो कहलाता है RF। जाहिर सी बात है
ऊपर भी डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिस्टेंस अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, यानी द यूनिट ऑफ आर एफ इज नो यूनिट, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है भाई, ठीक है। इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, द एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, जो आयनों का एक्सचेंज है वो कैसे होता है, कैसे टेक प्लेस करता है, तो लॉ ऑफ एक्टिव मासेस, जो सक्रिय द्रव्यमान के, सरल भाषा में हम लोगों ने पढ़ रखा नहीं, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन है, एक्टिव मासेज है, ये सब क्या है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, तो ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। लॉ ऑफ एक्टिव मासेस पे ये डिपेंड करता है, कौन, ये देखिए सर जी कहां गया, ये रहा, कौन डिपेंड करता है भाई, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। इनर्ट सॉल्वेंट सेपरेट, जो अक्रिय सॉल्वेंट होते हैं वो किसे सेपरेट करते हैं, तो वो नॉन पोलर को, ठीक है, जो प्लस माइनस में नहीं टूटते, नॉन पोलर है, उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, इनर्ट सॉल्वेंट का भाई। बैच एक्सट्रैक्शन मेथड, जो बैच को अलग करने वाला मेथड है, इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, जब डिस्ट्रीब्यूशन का जो अनुपात होता है, वितरण का जो अनुपात होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में वितरित होता है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैच एक्सट्रैक्शन मेथड का भाई, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, तो जब भैया कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, तो जब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होगा तब इसका इस्तेमाल करते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड शुड बी कैसी होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए, यानी कुल मिला के जो सॉल्वेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में, सॉल्वेंट समझते हो क्या होता है, बता चुके हैं, जो घुलता है वो बिलय यानी सल्यूट, जिसमें घुलता है बिलायक यानी सॉल्वेंट, मिला के बनता बिलियन यानी सल्यूशन, जैसे चीनी घुली तो चीनी क्या है, सल्यूट है यानी बिलय है, पानी में घुली तो पानी क्या है, बिलायक है यानी सॉल्वेंट है, बिलियन यानी शरबत बना तो शरबत क्या है भाई, सॉल्यूशन है भाई, क्या है, सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्युबिलिटी यानी विलायता है सॉल्वेंट की वो कैसी होनी चाहिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में शुड बी वेरी लो, बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज अ, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो मेथड है वो कैसा है, तो मल्टी स्टेप मेथड है, मतलब कई स्टेप में हम लोगों को प्योर जो सॉल्वेंट हमें चाहिए वो मिल पाएगा। क्रोमेटोग्राफिक पैटर्न ऑन पेपर इज कॉल्ड, यानी जो अभी ऊपर लिखवा चुके हैं, ये दोबारा लिख गया है, जो क्रोमेटोग्राफिक पैटर्न पेपर पे हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है, तो वो क्रोमेटोग्राम कहलाता है भाई, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो फ्रैक्शनल का मतलब होता है आंशिक, ठीक है, पार्शियल कह सकते हो उसे हम लोग, और क्या कहते हैं, तो उसे बाई सॉल्वेंट भी कहते हैं। व्हाट इज एनालाइट, एनालाइट क्या होता है, तो सब्सटेंस फॉर सेपरेशन, उस सब्सटेंस को जिसे सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, जिसका सेपरेशन करा जा रहा है उसे हम लोग एनालाइट कहते हैं। और एलुएंट क्या कहते हैं, इट इज अ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जिसे हम लोग किसी सब्सटेंस को अलग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम स्टेशनरी फेज, उसे हम लोग एलुएंट कहेंगे भाई, ठीक है। तो वो सॉल्वेंट जिसे हम लोग अलग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो एलुएंट है, और जिसे अलग करना सब्सटेंस को उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनालाइट कहते हैं भाई, ठीक है। Which one is used as spraying agent? Spraying agent के रूप में किसका इस्तेमाल करा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो निनहाइड्रिन का जो सॉल्यूशन होता है इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन होने के बाद में आयोडीन कैसा कलर देता है, तो भाई वॉयलेट यानी बैगनी रंग देता है। डिस्पर्स्ड फेज, अभी हमने आपको बताया एक होता है फेज, ठीक है, और एक होती है फेज का मतलब अवस्था, एक होता है मीडियम यानी माध्यम, एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम, तो ये जो फेज है डिस्पर्स्ड वाली इज ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या कहते हैं, तो इसे नॉन कॉन्टिन्यूअस फेज भी हम लोग कह देते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ईथर लेयर, ईथर लेयर का इस्तेमाल कहां होता है, तो टू सेपरेट द ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, जो कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग करने के लिए ईथर लेयर का प्रयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, जिसका इस्तेमाल काहे के लिए करा जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं जो समझ में नहीं आते, कठिन होते हैं, उन्हें अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। विच फोर्स इज प्रेजेंट इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लंडन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इन सबका इस्तेमाल करते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस पे आधारित होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर आधारित
होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, नाम ही उसका है आयन, आयन का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां विद्युत की बात होगी। द क्रोमेटोग्राफी हैविंग सॉलिड स्टेबल फेज इज कॉल्ड, जो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें क्या होता है सॉलिड स्टेबल फेज होती है उसे क्या कहते हैं, तो भैया क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ऊपर भी आया था दोबारा आ गया एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन एक्सट्रैक्शन इज रिपीटेड इन, जब इसका बार बार इस्तेमाल करा जाता है, कैसे स्मॉल सॉल्वेंट में छोटे छोटे हिस्सों में जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा अच्छे से काम करता है भाई, ठीक है। Which of the following is the correct equation for partition coefficient? तो भैया partition coefficient के लिए अभी हमने बताया आपको अलग, वितरण गुणांक के लिए क्या है, तो भैया concentration of solvent A यानी A में कितना घुला हुआ है, बटे में B में कितना घुला हुआ है, उसे KD से लिखते हैं, सरल भाषा में कहें KD बोले तो distribution coefficient, ठीक है। इसे किसने बताया था, Nusselt ने बताया था। ये देखो भाई द कंपोनेंट्स विच हैव अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के, जिनके लिए के की बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, हैव एन एफिनिटी फॉर, उनके लिए एफिनिटी वो लविंग होते हैं, एफिनिट होते हैं किसके लिए, स्टेशनरी फेज के लिए, रुके रहने के लिए भाई, ठीक है। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड, जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें स्टेशनरी फेज काहे की बनी होती, तो नॉन पोलर की, यानी जो प्लस माइनस में नहीं टूटते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय विच लॉ, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है वो किसके द्वारा चलता है भाई, तो वो नसर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा चलता है। अभी हमने आपको बताया भी था नसर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, कि दो सॉल्वेंट है, एक में कितना वितरित है दूसरे में कितना वितरित है, दोनों की सॉल्वेबिलिटी को आप भाग दे दो, जो उनका रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, द एनालिटिकल टेक्निक सेपरेटिंग, सेपरेट करने की एक एनालिटिकल टेक्निक है भाई, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज जनरली कॉल्ड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं, तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर इसी को पार्टीशियन एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कैरियर गैस, किसे हम लोग कैरियर गैस, ले जाने वाली गैस, सरल भाषा में कितना इस्तेमाल करते हैं इन गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो हीलियम गैस का इस्तेमाल करा जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। देखो भाई ये चीज समझ लो, इनके शॉर्ट नोट बनाओ, गैस क्रोमेटोग्राफी में किसका इस्तेमाल, तो हीलियम गैस का इस्तेमाल करा जाता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को क्या कहते हैं, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाइए। अब यहां तक अगर हम लोग बात करें तो लगभग आज अपना कौन सा दिन है भाई, लगभग 17वां दिन है, ठीक है सर जी। अगर 17 दिन की बात हम लोग करें तो 17 दिन में अगर एक दिन में हम लोगों ने एवरेज 20 क्वेश्चन भी कवर करे होंगे, जबकि इससे ज्यादा हम लोगों ने करे हैं, तो कितने हो गए भाई, लगभग 17 दूनी 34, लगभग 400 प्लस क्वेश्चन हम लोग भाई पढ़ चुके हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, किसी में 30 भी करे हैं, किसी में 40 भी करे हैं, आराम से 500 के करीब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं। ये 500 के 500 क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट नोट बने हुए होने चाहिए भाई। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हुआ है भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज 26,000 फॉलोअर्स हम लोगों के हो गए हैं, ठीक है। बी डिकेडियन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और अगर आपने नोट्स बनाया तो स्टोरी मेंशन करना, शेयर करेंगे सबकी स्टोरी की किसने ये पूरी सीरीज देखी है और प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। अगर नहीं बनाए हुए हैं तो एक वीडियो की लेंथ कितनी होगी बताओ भाई, एक वीडियो की लेंथ होगी एवरेज अगर बात करें तो 10 मिनट मान लो, ठीक है। टोटल कितने मिनट हो गए भैया, लगभग अगर हम 18 वीडियो भी बात करें तो 180 मिनट, 3 घंटे का कंटेंट है। जब आप भगा भगा के देखोगे तो 2.5-3 घंटे से ऊपर वैसे भी नहीं लगना है, 3 घंटे का कंटेंट है। ये सारी पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम बी डिकेडियन बीएससी पर भी दे दी है, चाहते हो सब कुछ एक जगह पर तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे कोर्सेज वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन 3 घंटे का कंटेंट है। सुबह बैठोगे दोपहर तक भैया सारा कंटेंट आप देख डालोगे, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स कायदे से पढ़ो भाई, ठीक है। कितने लोगों ने पूरी सीरीज इसे देखी है वो लोग कमेंट करके बताना, इंतजार करेंगे उन लोगों के कमेंट्स का, और सबको भैया दिल देंगे, ठीक है। हार्ट शेप जो होता है वो सबको दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने पूरी सीरीज देखी होगी कोई भी आदमी झूठ नहीं बोले। बाकी अब इनकी पेपर जो पुराने आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, लगभग ये पूरी सीरीज खत्म हो गई है। बहुत बहुत थैंक यू जो लोग भी 200, 300, 400, 500 लोग लगातार देख रहे थे, हमने पूरी कोशिश की सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाने की। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल से कराएंगे प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की जो पिछले साल पेपरों में आए हुए हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।